बाल संस्कार शिविर में बच्चों को छोटे छोटे बातों पर ध्यान देना है कि हम लोग जब भी कोई काम करें तो ध्यान पूर्वक करें, उसके लिए अष्टांग योग, बोलिए अष्टांग योग, अष्टांग योग, अष्टांग योग, अष्टांग माने आठ अंग, कितना अंग, आठ अंग, आठ अंग हो गया। अब आठों अंग का नाम याद करिए, बोलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। फिर से बोलिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। नाम सुन लिया आठों का। इसमें ध्यान जो शब्द है जो सातवें नंबर पर है, ध्यान तो पढ़ा लिखा अनपढ़ सब नाम सुना हुआ है, नहीं ध्यान से रुट जाइएगा, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से साइकिल चलाइएगा, हम लोग बोलते हैं कि नहीं बोलते ध्यान। ध्यान बहुत कठिन अभ्यास है, ध्यान के बाद तो समाधि लग जाती है। क्या लग जाती है? समाधि। और जीवन की शुरुआत हमें यम और नियम के माध्यम से करना है, बोलिए यम, नियम, यम, नियम, यम, नियम, यम के पांच भेद, बोले यम के पांच भेद, नियम के भी पांच भेद। अब यम के पांच भेदों का नाम सुनेंगे और आप भी दोहराएंगे। यम के पांच भेदों का हम नाम आपके सामने रखेंगे, वो बहुत कल्याणकारी शब्द है वो, बोलिए सत्य, अहिंसा, अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में बता देते हैं। सत्य का मतलब होता है कि हमेशा सत्य के मार्ग पे चलना, झूठ नहीं बोलना या कोई गलत काम नहीं करना। अहिंसा का मतलब होता है कि मन, कर्म, वचन से किसी प्रकार का तनाव, क्रोध ना करें और किसी की हत्या ना करें और किसी को शोषण ना करें, ठीक है। सत्य हो गया, उसके बाद अहिंसा हो गया, उसके बाद में अस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि चोरी नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? चोरी नहीं करनी चाहिए, बिना किसी का पूछे कोई सामान नहीं लेना चाहिए। ऐसा यदि समाज बन जाए, यही राम राज्य है कि नहीं है? मीट मछली नहीं खाना, गाली गलौज नहीं करना, चोरी करना, राम राज्य यही होता है। राम राज्य का मतलब क्या हुआ? बोलिए मीट मछली अंडा, दारू शराब खैनी, बीड़ी सिगरेट, चिरम तम्बाकू, चोरी बेईमानी नहीं करना ही राम राज्य है। इधर लाल समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब जिसके जिसके अंदर में राम राज्य को नहीं लाने वाला फैक्टर है, उसको धीरे धीरे हटा दीजिएगा नवरात्रि में 25 तारीख तक। 25 तारीख को रामनवमी है, ठीक है, और रामनवमी के दिन तक मीट मछली अंडा दारू शराब तो ऐसे लोग छोड़े हुए है। 10वीं के दिन से भी पूरा शरीर में नहीं धारण करिएगा, नहीं तो सब ये बेकार हो जाएगा पूजा पाठ किया हुआ हम लोगों का। इसलिए अपने इस राम के बारे में जो फोटो हम देख रहे हैं यहाँ पर, जो आप देख रहे फोटो है, जय श्री राम लिखे हैं इस पर, तो जय श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। क्या है ये? मर्यादा पुरुषोत्तम माने पुरुषों में उत्तम है, ये महापुरुष है और इनका जो जीवन है मर्यादित है, यानी मर्यादा पूर्ण है। एक एक इनका जीवन का जो अभ्यास है वो मर्यादा में है, मर्यादा को इन्होंने लांघा नहीं है, मर्यादा को कभी तोड़ा नहीं इन्होंने। इसलिए आप और हम यदि भगवान राम के पद चिन्हों पे चले तो हमारा जीवन सुधर सकता है। ओम।